My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आ चुके हैं हम अपनी न्यू सोलो वर्सेस स्क्वाड वीडियो के साथ। एशिया सर्वर था ये, तो पहले तो हमने आगे यहाँ से ये सूट उठाया ना, अथीना वाला। तो गाइस, सबसे पहले तो करो ना सारे लाइक, उसके बाद शेयर करना ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा। तो गाइस, जाएँगे हम यहाँ पर, ये जो होता है ना जहाँ पर मेला लगता है, मेला ही है ना ये, तो इधर जाएंगे। काफ़ी अच्छी फाइट होगी, तो दो तीन स्क्वाड आएंगे, आई थिंक दो से या तीन स्क्वाड आएंगे। ये न्यू हॉट ड्रॉप बन चुका है, तो उतरते साथ ही हमें गन मिल जाएगी, UMP। ये तो गाइस, ये यहाँ मुझे गन मिलती है, ये देखना। अभी ये दो शॉट्स हैं ना, ये खुद ही हो गई, मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं। तो ये पता नहीं ग्लिच है क्या है, आप लोगों के साथ होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बरहाल मेरे साथ होता है। यहाँ एक बंदा नज़र आया, इसको मैंने डाउन किया। वो फिलहाल इनके पास गन नहीं है, बेचारों के पास सिर्फ मेरे पास ही गन है। तो यहाँ लूट तो काफ़ी अच्छी होती है, इसको गन मिली लेकिन चांस नहीं दिया हमने इसको। तो इनके दो डाउन किए मैंने, अभी दूसरी राइट साइड ही हैं दो इनके। तो इसको मैंने काफ़ी लो किया, लेकिन हेलमेट वेस्ट भी नहीं था उसके पास, लेकिन वो डाउन नहीं हुआ। लेकिन अब इसको एक ही गोली लगेगी। और यहाँ मैंने देखा यार, मुझे तीन किल मिलते हैं, हालांकि मैंने चार बंदे नॉक किए, फिनिश किए हैं। ये पता नहीं एक किल मेरा चोरी हो गया, चोरों को मोर पड़ गए, क्योंकि मैं लोगों के किल चोरी करता हूँ और भाई आज हमारी किल चोरी हो रहे हैं, ऐसा टाइम भी आना था हम पे। तो गाइस, एक स्क्वाड तो मैंने मार दी, अब दूसरी साइड एक और स्क्वाड है, सॉरी एक स्क्वाड नहीं है, दो स्क्वाड हैं, वो अभी आपस में ना फाइट ले रहे होते हैं। मेरे पास UMP की गोलियाँ नहीं होती, इस वजह से मैं यहाँ रुका होता हूँ। तो यहाँ मुझे अब काफ़ी एमो मिल जाएगा, टॉमी भी मिल जाएगी यहाँ हमें, तो वो सामने वो फाइट ले रहे हैं। तो इसको मैंने ट्राई किया मारूँ, लेकिन ये कवर में चला गया, इसको तो उसने ही लॉक किया होता है, एक दो ही लगती है। तो यहाँ मैं, मेरा जो किल चोरी हुआ ना पहले, तो मैं वो निकालता हूँ, और ये बोट मुझे मार रहा होता है। अच्छा गाइज, ये किस किस को लगता है, बोट काफ़ी दफ़ा ना आपको गन दे के भी जाते हैं, और काफ़ी दफ़ा आपका काम ना ख़राब भी करवा के जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा यूँ होता है रोटेशन ले रहे होते हैं ना, मतलब किसी स्क्वाड को मारने के लिए, पहले तो इसको मारेंगे ना हम, किसी स्क्वाड को मारने के लिए हम अलग डायरेक्शन से जा रहे होते हैं, और वहाँ जी बोट आ गई, टिक 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 लगा होता है मारने के लिए, तो वहाँ से फिर उन वो बोर्ड को भी मारते हैं, फिर हमें भी मारते हैं वो। तो अब यहाँ ये सारे मैं अपने किल कंफर्म कर रहा होता हूँ। तो ये लास्ट वाले का देखना, ये हाईएस्ट RP वाला था, इस बेचारे को भी हमने मार दिया। यहाँ से मैं ये क्लियर करके ना अब इसको ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं होती, तो मैं कहता हूँ इस पे चलते हैं, ऊपर से गाड़ी ढूँढेंगे, तो गाड़ी जहाँ नज़र आएगी वहाँ उतर जाऊँगा। तो गाड़ी मुझे स्टार्ट में ही नज़र आ जाती है, फिर मैं यहीं उतर जाता हूँ। अभी मैं यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ ना, तो एक और स्क्वाड आ जाएगा इसी जगह पे ना, बगी लेके। तो मैं यहाँ से आके अपनी गाड़ी उठाता हूँ, तो मतलब अभी नहीं मुझे वो नज़र आए, मैं तो अपनी मौज में ही जा रहा होता हूँ, इधर उधर देखता हुआ ना। तो यहाँ से अब ये मुझे यहाँ से नज़र आएंगे, वो सामने दो खड़े हैं, तो वो फायर वगैरह करते हैं, लेकिन मुझे डैमेज नहीं आता। तो ये भाई तो अपनी नशे में पता नहीं किसको मार रहा होता है। तो ये दूसरा, ये यूजी वाला, ये पहले ही लो होता है, आई थिंक इसको दो तीन गोलियां ही लगती हैं। तो इसको इधर मैं गाइस नॉक फिनिश करता हूँ, तो मैं इधर आसपास देखता हूँ कि कोई और कोई है, फिलहाल तो मुझे कोई नहीं नज़र आता। तो फिर एक जो सा एक और मैंने नॉक किया होता है, मैं यहाँ यूजी रिलोड करके उसको फिनिश करूँगा, तो इतने में मुझे पड़ जाएंगी। तो भाई यहाँ मैं आके लेटता हूँ, ये मुझे नज़र आता है, मैं इसको नॉक कर लेता हूँ। तो अभी यूँ होता है गाइस, यहाँ मैं हीलिंग वगैरह करता हूँ अपनी, तो अभी यूँ होगा, दो बंदे और होंगे और वो एक दूसरे को मार देंगे मेरी आंखों के सामने, मैं समझता हूँ एक ही टीम के हैं। अभी यहाँ फ़िलहाल तो मैं उसको ढूंढ रहा होता हूँ ना, जिसको मैंने नॉक किया ना, तो वो नॉक वाला यहाँ पड़ा होता है, अभी देखना वो सामने से आ रहे हैं। अच्छा, ये एक दूसरे के पीछे आ रहे होते हैं, मैं समझता हूँ एक साथ ही आएंगे भाई, लेकिन वो फिर मार जाता है उसको। तो यहाँ मैं इसको कंफर्म करता हूँ, यहाँ हमारे टोटल 13 किल हो गए, तो 13 किल और फिर लूट वगैरह लेके ना मैं यहाँ से निकलूँगा। तो लूट वगैरह करके गाइस मैं पुचिंग की आता हूँ बंदे वगैरह देखने के लिए, और यहाँ बंदे होते भी हैं, तीन बंदे होते हैं यहाँ।
तो मैं आता हूँ यहाँ, गाड़ी लगाता हूँ स्क्वाड हाउस में चुपचाप, और जाते जाते ना दो तीन फायर कर देता हूँ ताकि उनको पता चले कि यहीं पे है। और ऊपर आके स्क्वाड हाउस में इसलिए आता हूँ ताकि वो अगर मुझ पे रश भी करें ना तो ओपन में से रश करें और मैं उनको ना ईजीली मार सकूँ। तो गाइज हमेशा ऐसा कवर लिया करो कि अगले को आपके पास आना हो ना तो ओपन में से आए हो। ये देखो ये ओपन में से क्रॉस कर रहा था, मैंने इसको नॉक कर दिया। तो अब इसके और दो बंदे हैं, वो अभी नहीं दिखा मतलब अभी सामने नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ बैठ के ड्रिंक वगैरह पीता हूँ। तो गाइज एक और टिप, जब भी फाइट लेने लगो ना तो बूस्ट हमेशा ना अपना फुल कर लिया करो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा यूँ होता है जब भी आप 1v4 करते हो ना तो वो बूस्ट आपको बचा जाता है। तो यहाँ एक ये मुझे हेड नज़र आ जाता है इसका, तो ये यहाँ नॉक करता हूँ, तो अब इनके दो नॉक हैं, एक ही रह जाता है। तो अब मैं पुश कर देता हूँ इन पर, तो मैं गाड़ी लेके जाता हूँ। हमेशा गाड़ी लेके पुश करो अगर आप लोगों के पास गाड़ी है, कभी भी ओपन में से पुश नहीं करो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा यूँ होता है हम लोग ना एग्रेशन में आके ना ओपन में से पुश कर देते हैं और अगला हमें मार जाता है, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। हमेशा कवर टू कवर फाइट लिया करो गाइस, टिप्स एंड ट्रिक्स विद ज़ायरो। तो यहाँ मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि इस घर में रिवाइव दे रहा है, तो मैं इधर एक नेट करता हूँ, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पे एक ही होता है, राइट पे दो होते हैं, वो रिवाइव हो जाता है राइट जोन से, राइट वाला है ना। तो गाइज़ वहाँ से मैं फिर पूरा रोटेट करके ना इस वाले घर में आके बालकनी में बैठ जाता हूँ। तो ये एक और टिप देता हूँ मैं आपको, जब भी नेट करने लगो ना तो अपने आई जोन से आई वाला होता है ना ऑप्शन, उसको थोड़ा सा नीचे करोगे ना तो आपको जो अपने नेट की वो पिन वाली पिन होती है ना लास्ट पे जो होता है डॉट सा, वो आपको क्लियर नज़र आएगा कि आपका नेट कहाँ जा रहा है। तो वहाँ पर गाइस अब एक डाउन होता है उस नेट से, तो मैं अब पुश कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता चल जाता है ये लास्ट या इनका, तो मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ। इस बेचारे को कोई हीलिंग ही नहीं देता, ना हीलिंग करता है ये, पता नहीं क्या सीन होता है इसका। तो अभी देखना इसको ना, ये अंदर बैठा है, इसको एक दो गोली लगेगी, हो गया। तो यहाँ हमारे हो गए 16 किल टोटल। तो गाइस मैं यहाँ से गुजर रहा होता हूँ तो वो घर में स्मोक हुआ होता है, तो मैं भाई यहाँ पे उतरता ही हूँ तो वो फायर आगे से शुरू, तो ये ओपन में खड़ा होकर मार रहा होता मुझे, तो इसको मैं नॉक करके यहीं फिनिश कर दूँगा। तो इन वाले बंदों से काफ़ी गाइस लंबी फाइट हो गई मेरी, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको ना स्किप करके दिखाता हूँ। तो गाइस इन लोगों को मैं इतना तंग करता हूँ ना, इतना तंग करता हूँ, पीछे थोड़ी सी वीडियो पीछे देख करके देखो, जब मैं बगी लेके यहाँ आता हूँ ना तो मेरे पास कितना एमो होता है और अब कितना रह गया। तो यहाँ मैं इसको नॉक करता हूँ तो मैं अलग, ये तीन बंदे होते हैं मतलब चार होते हैं, एक तो मैंने इनका नॉक करके फिनिश कर दिया होता है ना, तो मैं वहाँ से इस घर में आ जाता हूँ, तो ये समझते हैं मैं वहाँ से ना निकल गया हूँ। तो ये ओपन में आके अपने बंदे को लूट रहे होते हैं, तो यहाँ मैं एक को नॉक फिनिश करता हूँ, दूसरे को काफ़ी लो करता हूँ लेकिन वो ना मतलब बच जाता है। तो यहाँ से फिर मैं अलग थोड़ा सा एंगल लेके आगे जाता हूँ, तो ये भाई भाग जाते हैं यहाँ से। तो मैं ट्राई करता हूँ गाइस किसी एक को नॉक कर लूँ, लेकिन भाग जाते हैं वो। फिर मेरे पास यहाँ तीन एमओ रह जाता है M4 का, तो फिर मुझे पीछे आना पड़ता है यहाँ से एमओ वगैरह उठाने के लिए। तो अभी मैं इनके पीछे जाऊँगा, इनको मारूँगा मैं, अभी देखना यहाँ से मैं बगी लेके इनके पीछे जाऊँगा। तो गाइस मैं यहाँ आता हूँ तो वो नीचे उनकी गाड़ी फटी हुई होती है, मैं देख लेता हूँ, तो मैं नेट निकालता हूँ, तो इतने में मुझे ओपन में ही नज़र आ जाता है, तो इसको मैं नॉक करता हूँ, नॉक के साथ साथ ही मैं यहाँ फिनिश कर दूँगा इसको। तो फिर मैं दूसरे को ढूंढ रहा होता हूँ, इतने में जोन आ जाता है, तो जोन को गाइस फर्स्ट प्रायोरिटी दिया करो, सबसे पहले जोन में जाया करो, फाइट बाद की बात है। तो मैं यहाँ से जोन में आने लगता हूँ तो वो दूसरा मुझे नज़र आ जाता है, तो मैं फिर यहाँ रुक के उसको भी मार देता हूँ। तो यहाँ होते हैं गाइस हमारे 20 किल्स, तो अब मैं इसकी लूट वगैरह करके जोन की तरफ मूव करूँगा। तो गाइस यहाँ मैं जोन में जैसे ही आता हूँ ना तो आगे मुझे एक पूरा स्क्वाड मिल जाता है, तो यहाँ पहले मैं 6x सेट करता हूँ और आप फाइट एंजॉय करें।
तो गाइज़ अब यहाँ ना इनके मैंने 3 नॉक कर दिए हैं, एक लास्ट ही रहता है इनका। तो एक बात तो मैं आपको बतानी भूल गया भाई, इसकी एंडिंग इतनी दुख भरी होगी ना, इतनी दुख भरी होगी ना, ना पूछो, मुझे रोना आ गया था भाई। नहीं मजाक कर रहा हूँ, रोना नहीं आया था, वैसे बहुत दुख हुआ था भाई मुझे। तो यहाँ मैं आता हूँ, नेट वगैरह करता हूँ इस ट्री पे। तो पहले नेट से तो नहीं फटता ये, तो मैं रैंडम स्प्रे देता हूँ, वो एक पीछे जाता है तो मैं रैंडम स्प्रे देता हूँ, कहीं नॉक हो जाए, क्योंकि उसने इतनी जल्दी हील तो नहीं किया होगा। तो मैं यहाँ रुक के एक और नेट करता हूँ। अब एक जौन सा बंदा है ना, वो गाइस ड्रॉप के पीछे आ गया, 2 इस ट्री के पीछे हैं, तो ये मुझे काफ़ी लो करता है, मैं बच जाता हूँ। तो अब मेरे ये नेट से एक कन्फर्म हो गया और एक ना डाउन हो गया, और ये जौन सा ड्रॉप वाला है ना, ये लास्ट है, तो ये इनका आखिरी रह गया है। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको कार 98 से मारने की। तो गाइस कैसा लगा ये वाला स्क्वाड वाइप? तो अब यहाँ मैं हील वगैरह करता हूँ, तो इस ड्रॉप के पीछे आता हूँ। अब गाइस सामने घर में ना 3 बंदे होते हैं, अब मेरा 1v1v3 होता है और एक पीछे होता है, तो ये देखना अब। ओ भाई यहाँ मेरी गलती होती है गाइस, मैं ना अपना क्रॉस हेयर ऑन कर लेता हूँ। तो खैर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।